हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गेट्स एट लो बाई एम एस माई ने सिद्धांत सिंह एंड कंटिन्यूइंग विद द पैसेजेस ऑफ क्लाट 2024 लीगल रीजनिंग सेक्शन सो आई एम हियर इन दिस वीडियो विद पैसेज नंबर 3 सो जैसा कि आप लोग पैसेज स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये पैसेज इज अगेन मोर टुवर्ड्स द करंट लीगल सो ओवरऑल क्लाट 2024 का करंट लीगल से रिलेटेड ही था बहुत ज़्यादा थ्योरी जो हम लोग क्लासेस uh, में पढ़ते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं था बट मेजरली जो न्यूज़पेपर्स में न्यूज आती है so now दिस passage इज मेजरली अराउंड द लॉ दैट इज़ द प्रेस एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरॉडिकल बिल जो 2023 ट्वेंटी थ्री में दिया गया था तो ये अगस्त 2023 की न्यूज़ थी कि जो पुराना एक्ट है उसको हटा के नया बिल लेके आए और उसके कुछ प्रोविजंस पे डिस्कशन किया गया तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग ऑन टू आर यूट्यूब चैनल सो गाइस आपको सब्सक्राइब करना है सो so दैट आगे आने वाली इसी सीरीज की वीडियोज आपसे मिस ना हो चलिए सो तो आगे बढ़ते हैं सो द दैट The Editors Guild of India has expressed concerns over the draconian provisions of the press registration of press and registration of periodical, that is PRP Bill 2023. That can have an adverse impact on the freedom of the press. So freedom of press is a right which has been given to the press organizations. So Editors Guild of India. So maybe proper community community editors, they have pulled up this particular point forward.

इससे भी हमें फ्री करो कि हर प्रकार का चेक ना हो है ना जो रजिस्ट्रार ने करके रखा है एंड दैट द प्राइमरी एन्फोसिस ऑफ द रजिस्ट्रार एंड द पी आर पी रिमेन्स रजिस्ट्रेशन एंड नॉट रेगुलेशन तो वो कह रहे हैं कि मेजर एन्फोसिस जो रजिस्ट्रार का है दैट शुड बी रजिस्ट्रार एंड पी आर पी जो नया बिल आया है ये रजिस्ट्रेशन पे होना चाहिए रेगुलेशन के तौर पर मत आओ कि आप ये ये चीजें रजिस्टर करा लो इट्स फाइन बट तो आप रेगुलेट मत करो आए और मत करो ये हर चीज पे जाके ठीक है एज द लेटर एज द पोटेंशियल ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस तो ये कहीं ना कहीं हमारे इम्पैक्ट right कर रहा है और इसी से रिलेटेड इन द डेफिनेशन सेक्शन सेक्शन टू ऑफ दिस बिल होगा दर्म स्पेसिफाइड अथॉरिटी गिवस पावर टू गवर्नमेंट एजेंसीज तो एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी का डेफिनेशन दिया होगा वो डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं वो दी गई है ठीक है तो समझते हैं तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी गिव्स पावर टू गवर्नमेंट एजेंसीज बियॉन्ड द प्रेस रजिस्ट्रार टू कंडक्ट द फंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार गवर्नमेंट एजेंसीज को भी रजिस्ट्रार से ज़्यादा पावर दी गई कि आप जाके फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार कंडक्ट करें विच वुड इवन इंक्लूड पुलिस एंड अदर लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन्स जो इस बिल के होंगे उसमें लिखा होगा कैन बी डन बाय द स्पेसिफाइड अथॉरिटी अब स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन है उन्होंने डिफाइन किया कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है पुलिस ऑफिशल हो सकता है जो रजिस्ट्रार की तरह उनसे ज्यादा पावर होल्ड करता हो तो ये एक पॉइंट आ गया गिविन द इंक्लूसिव एक्सपेंसिव एंड वेग नेचर ऑफ द पावर बिल इन एनी केस अलाउ अलाउस टू द प्रेस रजिस्ट्रार द पावर टू फर्दर डेलीगेट दिस पावर टू अदर गवर्नमेंट एजेंसी इंक्लूडिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डीपली डिस्ट्रेसिंग भाई रजिस्ट्रार को पावर दी चलेगा अब आपने गवर्नमेंट एजेंसीज को भी वो पावर दे दी तो एक डिस्पैरिटी कुछ तो एक डिफरेंस रखते हैं आपने तो दोनों को, को ज्यादा पावर दे दी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए दैट इज व्हाट द डेफिनेशन में बोला जा रहा है एंड दैट इज व्हाट द द गिल्ड गिल्ड ऑफ द द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बोला द स्टेटमेंट इज सेक्शन फोर वन दैट इज फोर द रजिस्ट्रार तो रजिस्ट्रार को क्या अलाउ करता है सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल अलाउ द रजिस्ट्रार टू डिनाई द राइट टू ब्रिंग आउट अ पीरियडिकल एंड कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियडिकल्स टू पर्सन कन्विक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटी और हैविंग डन एनी थिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ये रजिस्ट्रार के पास पावर दी गई क्या कि रजिस्ट्रार मना कर सकता है कि आप कोई सा भी पीरियडिकल या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको आप कैंसिल कर सकते हो नहीं निकाल सकते रिलेटेड टू द पर्सन वू हैव बीन कन्वेक्ट ऑफ द टेररिस्ट एक्ट या कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट एजेंसी में कोई ना कोई आ जाए पर्सन और भाई वो उनसे मिल के कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स निकल वाले तो ये हो सकता है तो इसलिए ये सारी चीजें क्योंकि लॉ ही बोलता है ना प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरोडिकल्स पिरोडिकल्सन डॉक्यूमेंट्स जिसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी कॉन्विक्स और कोई ना कहीं फीडेड रहती गवर्नमेंट एजेंसीज के पास तो ये सही नहीं है

कि भाई आप कोई भी एंट्री करें जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी के तौर पर माना जाएगा वहाँ पीरियडिकली कॉपी ले चला जाए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हैम्पर हो जाएगी दैट इज कंट्री और ये कहाँ से लिया गया था दिस इज बिंग पब्लिश्ड इन टेलीग्राफ तो द टेलीग्राफ एक इंडियन इंग्लिश न्यूज़पेपर है जहां पे पब्लिश हुआ था अब सवाल आता है सर हमें वहां जाके पढ़ना है कि नहीं भाई ये न्यूज़ में था ये हर जगह द हिंदू वगैरह में आ गया था बट ये एक्सट्रैक्ट एक्जैक्टली पब्लिश हुआ था टेलीग्राफ में वहां का एक्सट्रैक्ट है जो एडिट्स के साथ डाला गया है तो अगर आप लोग ऐसे कंसर्न सर हम तो द हिंदू पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं क्या हमें पर्टिकुलर पैसेज मिल पाएगा भाई एक्जैक्ट पैसेज नहीं मिलेगा बट कम से कम बैकग्राउंड तो रहेगा जैसे जुबिनल जस्टिस एक्ट का था जुबिनल जस्टिस बोर्ड के रेल था थोड़ा तो बेसिस है कहीं ना कहीं पैसेज में पढ़ा होगा मॉक्स में पढ़ा होगा न्यूज में पढ़ा होगा तो जहां पढ़ा या सुना भी होगा ना तो ये रिलेटेबिलिटी बनती है चलिए क्वेश्चन से मूव करते हैं पैसेज थोड़ा मॉडरेटली ईजी है मतलब मॉडरेटली डिफिकल्ट बोलूंगा मैं बहुत ईजी नहीं है समझने में थोड़ी सी टाइम लगेगी बट अगेन सिक्स सेवन मिनट्स वॉजन आइडल टाइम फॉर द एंटायर पैसेज विद क्वेश्चन नो क्वेश्चन आ गए क्वेश्चन की लेंथ अगेन इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं दी गए पर्टिकुलरली क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ऑफ द पेपर इन कॉन्टेक्स्ट विद क्वेश्चन ईजी मतलब वन टू लाइन वाले क्वेश्चन थे कुछ लेंथी क्वेश्चन जो आगे की वीडियोज में आपको मिलेगा तो अच्छा आप लोग सीरीज पूरी देखिए ठीक है मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज या क्वेश्चन नंबर ऑफ माई सीरीज इज द पी आर पी बिल डिफाइंस न्यूज पेपर टू मीन अ पीरियडिकल ऑफ लूज फोल्डेड शीट्स यूजली प्रिंटेड ऑन न्यूज प्रिंट एंड ब्रॉट आउट डेली और एटलीस्ट वंस इन अ वीक कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन करेंट इवेंट्स पब्लिक न्यूज और कमेंट्स ऑन पब्लिक न्यूज सो ये पी आर पी बिल डिफाइन करता है न्यूज़पेपर को हु अमंग द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ न्यूज़पेपर सो नाउ व्हाट इज देयर सो दिस इज अ डिफरेंट सेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन 2023 में भी क्लाट कि पैसेज में इंफॉर्मेशन दी है तो वी नीड टू ऑलवेज स्टिक टू द पैसेज बट अगेन एन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन आल्सो द क्वेश्चन में प्रोविजन दिया है उस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए प्लस द पैसेज आपको आंसर देना पड़ेगा एक्स पब्लिशिंग न्यूज कंटेंट ऑन डिजिटल मीडिया डिजिटल मीडिया की बात ही नहीं की गई तो एलिमिनेट हो जाएगा वाई पब्लिशिंग बुक्स कंटेनिंग द कॉमेंट्स ऑफ द पब्लिक ऑन पब्लिक न्यूज इज अगेन नॉट कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ न्यूज पेपर क्योंकि न्यूज पेपर क्या बोल रहा है पिरोडिकल ऑफ लूज फोल्डेड शीट्स प्रिंटेड न्यूज प्रिंट ब्रॉट आउट डेली एटलीस्ट वंस इन अ वीकटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन दी करेंट इवेंट्स पब्लिक न्यूज और कॉमेंट्स ऑन पब्लिक न्यूज सो दे आर कंटेनिंग कॉमेंट्स ऑन द पब्लिक ऑफ द पब्लिक न्यूज एंड दे आर पब्लिशिंग बुक्स सो बुक्स न्यूजपेपर के डेफिनेशन में आ रही

कौन से लोग एलिजिबल नहीं है सो so, हमेशा याद रखना नॉट एलिजिबल आ जाए इनकरेक्ट आ जाए उसको प्लीज ऐसे हाईलाइट कर लेना नॉट एलिजिबल टू पब्लिश अ पीरियोडिकल एज पर दी आर पी बिल मिस्टर ए कन्विक्टेड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वेजिंग वॉर है टेररिस्ट के लेवल पे निकल के जा रहा है तो ए हो सकता है अक्यूज ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अंडर दू ए पी ए अनलॉफुल एक्टिविटीज ही नहीं बट टेररिस्ट होना चाहिए

under the guise that through their articles they are they are are promoting hatred and exciting disaffection so again journalist इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल जहाँ बोला था ना कि periodicals के लिए एक्सेस मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पब्लिश हो जाएगा बाहर information चली जाएगी ये थ्रेट है फिर sedition लॉ जो जर्नलिस्ट यूज कर रहे हैं

स्पेसिफाइड अथॉरिटी टू मीन अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर और सच ऑर् ऑफिसर आज स्टेट गवर्नमेंट और एज द केस मे भी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन मे बी माई नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड द पी आर पी बिल इज क्रिटिसाइज बाई एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया बिकॉज सो पी आरपी बिल ने स्पेसिफाइड अथॉरिटी में इन लोगों का नाम मैंशन कर दिया है ये हमें फैक्ट्स में दिया है बट जो गिल्ड थे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया वो लोग क्या कर रहे हैं दे आर क्रिटिसाइजिंग दिस थिंग क्यों ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये लोग जो गवर्नमेंट एजेंसी के हैं या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं रजिस्ट्रार है चलेगा बट ये लोग क्यों यहाँ पे बनना चाहिए? समझते हैं so ऐसा नहीं बोल देन स्पेसिफाइड अथॉरिटी डेफिनेटली वाइड है बट जैसे ही बोले ना कैन इंक्लूड इवन ऑफिस बिलो द लेवल ऑफ कलेक्टर इट डज नॉट मीन दैट दे आर इन दादर देन देर क्रिटिसाइजिंग इट तो एलिमिनेट हो जाता है दी आर पी बिल कन्फर्स वेरियस पावर्स ऑन द प्रेस रजिस्टर जनरल इंक्लूडिंग द पावर टू रजिस्टर डिनाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल दिया गया था सिक्स बी में प्रोविजन नहीं दिए गए थे रजिस्टर के पावर की तो ये तो पावर दी गई है तो ये तो दे ही रहे ये इनके क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा तो पी आर पी बिल स्पेसिफाइड अथॉरिटी टू एंटर द द ऑफ पीरियोडिकल फॉर इंस्पेक्शन ये कंसर्न रेस कर रहे हैं कि आप कभी भी जाके कोई भी एजेंसी का पर्सन जाके नहीं कर सकता है ना रजिस्ट्रार के पास राइट है उसको पावर दे दो चलेगा तो सी ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारे कंट्री uh, के थ्रेट कंट्री को थ्रेट की तरह दिख रहा है तो इसलिए सी पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डी एलिमिनेट होता है तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सी बनता है द नज गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द क्वेश्चन अप्रोच ईजी है बट अगेन पैसेज की समझ अगर हो जाएगी एक बार में रीड करके कि क्या क्या कॉन्टेक्ट दिए गए थे तो आपका इसमें भी आंसर सही जा सकते थे फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट स्पेसिफिकली गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट इट इज इम्प्लाइड इन आर्टिकल नाइनटीन वन ए दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे आर फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स सो अब एक्सप्रेसिटली नहीं दिया गया है बट कहीं ना कहीं पार्ट बनता है तो अब इसके बेसिस पे हमें आंसरिंग करनी है अभी क्वेश्चन क्या है समझते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस बीइंग अ फंडामेंटल राइट नो लॉ कैन बी मेड सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट स्पेसिफिकली गारंटीड तो फंडामेंटल राइट नहीं हो सकती यहाँ पर अभी नहीं दिया गया तो ये एलिमिनेट हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन दी एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट बेफोर लॉ सजेस्ट पी आरबी बिल कैन बी इनएक्टेड सो ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मार्क कर पाओगे इसमें पैसेज से सपोर्टिंग कुछ नहीं क्यों क्योंकि कुछ ना कुछ ये एब्सोल्यूट राइट्स तो है नहीं कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है आप कुछ भी तो कहीं भी आप फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते बोल नहीं सकते भाई नहीं तो सिडिशियस हो गया अगेंस्ट द गवर्नमेंट चला गया ठीक है सो बी हो गया फ्रीडम ऑफ प्रेस बिंग अ फंडामेंटल राइट ऑपरेशन तो ये लोग फंडामेंटल राइटर कर रहे हैं जो कि ऐसा नहीं खुद दिया गया इट इज नॉट स्पेसिफिकली गारंटीड बट अंडर दिस विद सर्टन एक्सेप्शन सो सिंस ए और सी एलिमिनेट हो गए बी हमारे पास आंसर है तो डी एलिमिनेट कर देंगे तो नेक्स्ट आंसर अपने पास करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी मूविंग टू दास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसे टू पब्लिश पीरियोडिकल्स

द राइट टू पब्लिश अडिकल इज डिइड बिकॉज दे में नॉट बी न्यूट्रल इन रिपोर्टिंग इन मे इनसाइड वायलें तो ऑबियसलीफॉर्मेशन आपने कहा टेरिस ऐसा नहीं होना चाहिए था और भड़काव पैदा हो गया तो ये एक रीजन बन सकता है राइट टू पब्लिश पिरोडिकल इज डिनाइड बिकॉज सच असन इज थ्रेट टू दोसाइटी ऐसा नहीं है ये ऐसा पब्लिश कर देंगे इसलिए वो बोल रहे हैं भाई उनको रोका जाए अगेंट द स्टेट बींग टेर कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रीहेंसिव ऑप्शन बनता है तो सी के साथ हम जा सकते हैं बी के साथ नहीं राइट टू पब्लिश अ पीरियोडिकल इज डिनाइड बिकॉज क्रिमिनल्स डो नॉ पर्ज एनी फंडामेंटल राइट तो ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स विध आर प्रोविजन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है सो सिंस सी हमने एक अप्रोप्रेट ऑप्शन चूज कर लिया तो डी हम एमिनेट कर देंगे तो करेक्ट आंसर इसका बनता है सी अगर आपने वीडियो अंतर देखा तो कई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आगे ऐसे ही और वीडियो आ रहे हैं सो प्लीज डोंट स्टॉप वॉचिंग द वीडियो चलो बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच